गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिमबस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HRTC के एक ऐसे रूट के बारे में जो केवल HRTC का ही नहीं, शायद इंडिया के भी सबसे मुश्किल बस रूट्स में से एक है। किन्नौर, स्पीति, लाहौल और पांगी के दर्जनों रूट्स ऐसे हैं जहां बसेस बड़ी मुश्किल से अपने डेस्टिनेशंस पर पहुँच पाती हैं, और ये रूट भी उन्हीं में से एक है। हम बात कर रहे हैं रिकोंगपियो से हांगो बस रूट की। इस वीडियो में हम आपको इस रूट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आइए शुरू करते हैं इस बस का सफ़र। अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम रिकोंगपियो बस स्टैंड में हैं। यहां से दिल्ली जाने वाली बस काउंटर पर लग चुकी है और हम हांगो वाली बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ ड्राइवर कंडक्टर्स अक्सर अपने लंबे सफ़र पर निकलने से पहले एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 10:30 हो गए हैं और हांगो वाली बस भी अपने काउंटर पर आ चुकी है। इस रूट पर मोस्टली ओल्ड टाटा बसेस ही भेजी जाती हैं, जिसका रीज़न हम आपको आगे बताते हैं। ये एक 37 सीटर बस है जिसकी सीट्स 2x3 कॉन्फ़िगरेशन में हैं। नॉट वेरी कम्फर्टेबल बट गुड इनफ। 11 बजे यहाँ रिकोंगपियो से चलने के बाद ये बस अकपा, स्पीलो, पुह, नमग्या, खाप संगम, लेओ और चूलिंग होते हुए शाम करीब 5:30 बजे हांगो पहुँचेगी। और 11 बज चुके हैं, बस अपने ठीक टाइम पर यहाँ से निकल चुकी है। ये रिकोंगपियो रामपुर चलने वाली न्यू प्रेम बस है जिसका डिपार्चर भी 11 बजे का ही है। बस अब नीचे मार्केट में आ गई है और यहाँ मार्केट से लोग अपना सामान भी बस के थ्रू भिजवाते हैं, जो वहाँ गांव में रिसीव कर लिया जाएगा। बस में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं, पर इनमें से अधिकतर यहीं आसपास के विलेजेस तक जाने वाले ही हैं। ये सामने किन्नर कैलाश की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाई पड़ रही हैं। रिकोंगपियो से पोवारी तक का रास्ता थोड़ा संकरा व घुमावदार है और एकदम तीखी उतराई भी है। ये हम पोवारी पहुंच गए हैं और NH5 पर काजा वाले रोड पे टर्न लेंगे। ड्राइवर यहां पर थोड़ी देर दूसरी बसेस से पैसेंजर आने का वेट करते हैं। पोवारी के बाद रास्ता प्रॉपर डबल लेन है और BRO द्वारा बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। हालांकि मिट्टी कच्ची होने के कारण ऊपर से पहाड़ और पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं, इसीलिए यहाँ मेंटेनेंस वर्क साल भर चला ही रहता है। रास्ते में अभी भी छोटे ब्रिजेस को वाइडन करने का काम चल रहा है, जिससे आने वाले टाइम में ट्रैवल और भी स्मूथ हो जाएगा। ये ताबो से रामपुर जाने वाली HRTC बस है जो सुबह 5 बजे ताबो से चलकर आ रही है। कुछ साल पहले तक तो इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब रोड काफ़ी अच्छा बन गया है। हालांकि आपको एक नज़र ऊपर से गिरते पत्थरों पर भी रखनी होगी। करीब 11:40 पर ये बस अकपा पहुंच जाती है। अकपा में सतलुज रिवर पर एक पुराना पुल था जिस पे बसेस तो जैसे तैसे निकल जाती थी, मगर बाकी हैवी व्हीकल्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अब यहां पर नए पुल का निर्माण हो चुका है। ये बस करीब करीब 12 बजे तक स्पीलो पहुंच जाती है, और क्योंकि अब रोड काफ़ी अच्छा हो गया है और ट्रैवल टाइम कम हो गया है, स्पीलो में लगभग 30-40 मिनट का लंच ब्रेक होता है। स्पीलो से लगभग 12:45 पर यह बस चली है और यहाँ से अगला डेस्टिनेशन पू है। नाको और स्पीति साइड जाने वाली 4 बसेज में से यही बस पूह विलेज के अंदर तक जाती है, बाकी तीनों मेन रोड से ही निकल जाती हैं। पूह किन्नौर का एक छोटा सा गांव है जहाँ बेसिक एकोमोडेशन और फूड अवेलेबल हैं। तो पूह तक आते आते बस एकदम खाली हो चुकी है। स्टाफ का कहना है कि यूजुअली 15-20 लोग तो बस में होते ही थे, पर अभी स्नोफॉल की वजह से पिछले कुछ दिनों बस बंद रही थी,
इसीलिए आज पैसेंजर्स कम हैं। करीब 2 बजे ये बस पूह से चलती है और वापस नीचे उतरने लगती है। पूह तक आने का रोड काफ़ी तंग और पास लेने की जगह तो बहुत ही कम है। नीचे NH5 पर आकर ये बस फिर से हांगो की ओर उड़ चलती है। ये काजा से सीधे शिमला जाने वाली बस है जो सुबह 7:30 बजे काजा से चली होगी और करीब शाम 5-6 बजे रिकांगपियो पहुंचेगी। खाप संगम पहुंचने से पहले ये बस नमग्या गांव भी जाती है। नमग्या इंडो तिब्बतन बॉर्डर से पहले इंडिया का आखिरी गांव है और शिपकिला पास तक जाने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। हालांकि आज पैसेंजर्स ना होने के कारण बस नमग्या नहीं जाएगी। ये हम खाप संगम पहुंच गए हैं और यहाँ पर स्पीति और सतलुज नदियाँ आपस में मिलती हैं। ये स्ट्रेच इस रूट पर सबसे खराब पॉइंट्स में से एक था, बट अब ये काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया है और बाकी जो बचा हुआ है उस पर काम चल रहा है। सल्यूट है इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो इतने डेंजरस पॉइंट्स पर भी दिन रात काम करते हैं। खाप संगम के बाद बस नाको लूप्स की चढ़ाई चढ़ती है। रिकांगपियो से यहाँ तक डेली 4 बसें जाती हैं। सुबह 5 बजे शिमला काजा, सुबह 9:30 बजे रामपुर ताबो, सुबह 11 बजे रिकांगपियो हांगो और दोपहर 12 बजे रिकांगपियो समदो। हमारी बस नाको से पहले ही लेओ व हांगो की ओर लेफ्ट टर्न ले लेगी। नाको टर्न्स के बाद एक और छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है का। पहले ये बस यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुकती थी, लेकिन अब रोड अच्छा हो गया है, ट्रैवल टाइम कम हो गया है और इसीलिए हम अब सीधा लियो में ही रुकेंगे। ये चट्टान हाल ही में ऊपर से गिरी है, तो सोचिए अगर ऐसे पत्थर बस या फिर किसी छोटी गाड़ी पर आकर गिर जाएं तो क्या हाल होगा। इसीलिए रोड्स चौड़े होने के बाद भी यहाँ बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। और यहाँ से हमें हांगो वाले रोड की पहली झलक दिखती है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें डाइवर्जन लेना है और यहाँ से असली एडवेंचर भी शुरू होगा। ये राइट वाला रोड नाको और काजा की ओर जाता है। रोड काफ़ी नैरो है बट एटलीस्ट पक्का है। पास लेने या देने के लिए यहाँ अच्छी जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये रास्ता तो फिर भी ठीक है, असली डर तो मुझे सामने वाले रास्ते को देखकर लग रहा है जहां हमें अभी जाना है। हमारा अगला स्टॉप लेओ गांव में होगा। लेओ हांगरंग घाटी का एक बड़ा गांव है। यहां करीब 160 घर हैं जिनमें तकरीबन 790 लोग रहते हैं। और ये सामने खूबसूरत लेओ गांव दिखाई दे रहा है। सेब के गुलाबी फूलों और साइड में बहती नीली नदी के बीच ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं है। रास्ता संकरा है मगर पक्का है। और हम फिर से स्पीति नदी के पास पहुंचने वाले हैं। ये लियो ब्रिज है और ब्रिज के दूसरी तरफ से कच्चा रोड शुरू हो जाता है। यूं तो HRTC बहुत सालों से यहाँ सेफली बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट अप्रैल 2018 में यहाँ एक दुखद हादसा भी हो चुका है। उस दिन ये बस शाम 6 बजे के आसपास इस स्थान पर पहुँची थी और सड़क धंसने के कारण बस अनियंत्रित होकर 200 फीट नीचे जा गिरी। बस में सवार 7 लोगों में से 4 की मृत्यु हो गई थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। बस के अवशेष अभी तक नदी के किनारे पड़े हुए हैं। करीब 4 बजे ये बस लेओ पहुंच जाती है
और यहाँ 15-20 मिनट्स का टी ब्रेक होता है। 4:20 पर हम लियो से चले और इस रूट के सबसे खतरनाक पॉइंट्स अब आने ही वाले हैं। लैंडस्केप अब सफ़ेद रेगिस्तान जैसा हो गया है। इस रोड पर मिट्टी दरकने के भी चांसेस रहते हैं। चुलिंग अब यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और हांगो 12 किलोमीटर। रास्ता बहुत ख़राब है और ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं। ऐसे में पैसेंजर्स का ड्राइवर पर विश्वास ही सब कुछ है। कुछ जगह तो क्रैश बैरियर्स भी नीचे चले गए हैं। लोग पर्सनल गाड़ियों में जाने की बजाय बस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है यहाँ पर बस चलाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रोड कैसे बनाया होगा। HRTC की टाटा स्टार बस इस रूट पर इसीलिए नहीं आती क्योंकि उन बसेस की हाइट ज़्यादा है और वो ऊपर चट्टानों से टच कर जाती है। टाटा ओल्ड ACGL बसेस की लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ACGL BS4 बसेस को इंटरस्टेट और लॉन्ग रूट्स पर भेजा जाता है, इसीलिए हांगो वाले रूट पर केवल ओल्ड टाटा बस ही भेजी जाती है। ये सामने काजा वाला मेन रोड है जहाँ से हम अभी आए हैं। सोचिए अगर यहाँ से एक ब्रिज बन जाए तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। इन खतरनाक पॉइंट्स को पार करने के बाद बस चुलिंग के लिए डाइवर्जन लेती है। ये इस बस का तीसरा और लास्ट डाइवर्जन है जहाँ से ये मेन रोड से गांव तक जाके फिर वापस मेन रोड तक आती है। चुलिंग के लिए मुड़ने से पहले हांगो जाने वाले लोग मोड़ पर ही उतर जाते हैं और जब बस चुलिंग से वापस आती है तो फिर से बैठ जाते हैं। इस बस रूट को वाकई में यहाँ के विलेजेस के लिए लाइफ लाइन कहा जा सकता है क्योंकि ये सारे विलेजेस को आपस में जोड़ती है। आज चुलिंग जाने के लिए मात्र एक ही पैसेंजर है, बट फिर भी बस उसके लिए इतना दूर तक आई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HRTC अपने लोगों के लिए कितना डेडिकेटेड है।
चुलिंग से आने के बाद हम फिर से हांगो की ओर चल दिए हैं। यहाँ सामने से चुलिंग का प्रॉपर व्यू दिखता है। हांगरंग घाटी में बसे इस गांव में 270 लोग रहते हैं। और अब जाकर हांगो गांव की पहली झलक दिखाई दी है। हांगो रिकोंगपियो से 120 किलोमीटर दूर है और एचआरटीसी बस इस दूरी को तकरीबन 7 घंटों में तय करती है। एक यात्री का किराया 260 रुपए है। इस गांव में करीब 78 घर हैं और यहां तकरीबन 275 लोग रहते हैं। टूरिज्म व्यू पॉइंट से ये गांव अभी अनछुआ ही है और यहां कोई होटल या फिर गेस्ट हाउस भी नहीं है। एक आईटीबीपी का रेस्ट हाउस है जिसकी एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। नियरेस्ट लॉजिंग फैसिलिटीज आपको लेओ में ही मिलेंगी। हांगो में एक दो छोटी शॉप्स हैं और बस के स्टाफ को नाइट स्टे के लिए गांव वालों ने एक रूम का इंतज़ाम भी किया हुआ है। यहां स्तूप के पास ही बस को नाइट के लिए पार्क कर दिया जाता है। ये है वो एकोमोडेशन फैसिलिटी जो गांव वालों ने बस के स्टाफ के लिए बनाई है। वापसी की बात करें तो ये बस सुबह 6:30 बजे हांगो से प्रस्थान करती है। हांगो के बाद ये बस चुलिंग जाकर भी पैसेंजर्स उठाती है। इनमें से अधिकतर लोग लियो और पूह जाने वाले होते हैं। आइए अब बस ड्राइवर से जानते हैं कि इस रूट पर उनका सालों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो हमारे साथ हैं बस के ड्राइवर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश वर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी कसौक से हूँ। और आप कितने टाइम से पीओ डिपो में हो? अभी तो मुझे लगभग 2-3 महीने हुए हैं, पर पहले मैं यहाँ 5 साल लगा के गया हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर अभी दोबारा से आ गया। आप इसके अलावा और कौन कौन से रूट्स पर चलते हैं? यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोकल अपर के हैं तो इसमें मैक्सिमम सभी में चलते हैं। अच्छा, ताबो हो गया और हांगो हो गया, मैक्सिमम यही आते हैं। इधर को समदू रूट आता है एक अलग से, सभी में ही चलते हैं इधर। इस हांगो वाले रूट पर आपको डर नहीं लगता? मतलब जैसे कितना ही खतरनाक रोड है। एक्चुअल में अब तो थोड़ा सा आदत हो गया है। शुरू शुरू में जब आए थे तब बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ये। अच्छा। तो अब तो खैर आदत सी हो गई है और पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका है रोड। और एक बात ये कि ये रूट क्या पूरा साल चलता है? जैसे नवंबर दिसंबर के बाद तो बर्फ गिरना शुरू हो जाता है तो उस टाइम बंद हो जाता है, फिर लगभग मार्च में ही चलता है। अच्छा। इस बार थोड़ा एडवांस हो गया क्योंकि इसमें फॉल कम हुआ है इस बार, तो उस वजह से जल्दी चल पड़ा है। ओके। और यहाँ से यहाँ के कुछ लोकल लोगों के बारे में कुछ बताइए। अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और परेशानी का मतलब हर जगह हमारा सपोर्ट करते हैं। HRTC का जितना भी स्टाफ है तो अपर किन्नौर या स्पीति के लोग बहुत ही अच्छे हैं इस मैटर में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हांगो और स्पीति के ऊपर हमारे व्लॉग्स भी जल्दी ही लाइव होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।